बॉलीवुड इंडस्ट्री से लेकर टीवी इंडस्ट्री तक में इन दिनों रिमेक फिल्मों और सीरियल्स का चलन चल पड़ा है। फिर चाहे बॉक्स ऑफिस हो या फिर ओटीटी प्लेटफॉर्म की बात, रिमेक फिल्म और सीरियल्स ही बाजी मार रहे हैं। ऐसे ही कुछ दिन पहले टीवी जगत में भी देखने को मिल रहा है। इन दिनों स्टार प्लस अपने रिमेक शोज को लेकर टीआरपी की लाइन में सबसे आगे खड़ा है। ऐसे में आइए आपको भी बताते हैं उन शोज के बारे में जिनकी कहानी रीजनल शोज से कॉपी की गई है। अनुपमा सीरियल अनुपमा में अनुपमा के किरदार में रूपाली गांगुली और वनराज के किरदार में सुधांशु पांडे जबरदस्त तरीके से ऑडियंस का दिल जीतने में कामयाब रहे। किस तरह तलाक की पहल कर अनुपमा आत्मनिर्भर बनने जा रही है, ये केमिस्ट्री ऑडियंस के दिलों में अपनी जगह बना चुकी है। आपको बता दें कि हर हफ्ते आने वाली टीआरपी में ये सीरियल सबसे आगे रहता है। स्टार प्लस पर आने वाले इस सीरियल से अधिकतर लोग इस बात से अनजान होंगे कि ये शो स्टार जलसा पर आने वाले बंगाली शो श्रीमोई का रीमेक है। इमली इस सीरियल ने लगातार टीआरपी लिस्ट में जगह बनाए रखी है, साथ ही ऑडियंस का पसंदीदा टीवी सीरियल भी बना हुआ है। इस सीरियल में सुंबल तौकीर खान और गश्मीर महाजनी लीड रोल में नजर आ रहे हैं। और आपको बता दें कि शो इमली इष्टिक कुटुम का रीमेक है। गुम है किसी के प्यार में ये शो टीआरपी की लिस्ट में सबसे आगे बढ़ता नजर आ रहा है और हर हफ्ते ये शो भी टीआरपी की लिस्ट में अच्छी रेटिंग्स के साथ आगे ही रहता है। बता दें कि ये शो स्टार जलसा पर आने वाले बंगाली सीरीज डोला का रीमेक है। साथ निभाना साथिया टू स्टार प्लस का ये सीरियल ऑडियंस का पसंदीदा शो बना हुआ है। आपको बता दें कि ये सीरियल बंगाली सीरियल के अपान पोर का हिंदी रीमेक है। शौर्य और अनोखी की कहानी ये शो भी बंगाली सीरियल का रीमेक है। इस शो की कहानी बंगाली सीरीज मोहर से ली गई है और आपकी नजरों ने समझा। हाल ही में ये शो लॉन्च किया गया है जिसमें आशीष कुलकर्णी, विजेंद्र कुमारिया और रेवती मेन लीड में नजर आ रहे हैं। ये शो तमिल सीरियस सांझेर बाती का रीमेक है।